जो कि क्या था, मोटर यान अधिनियम 2019। किसकी बात कर रहे थे? मोटर यान अधिनियम 2019 की बात कर रहे थे, जिसकी लास्ट क्लास में अपने जो है 130 धाराएं कर ली थी, ठीक है। और उससे आगे की आज बात करेंगे, ठीक है, जो कि धारा की बात करते हैं। तो मैंने अपने हेडिंग का लिखेंगे, अपनी जो हेडिंग आएगी वो आती है मोटर वाहन अधिनियम या मोटर वाहन एक्ट की बात करते हैं 2019, ठीक है। अपना कौन सा चल रहा था? मोटर वाहन अधिनियम 2019 की बात जो है चल रहे थे, मोटर वाहन एक्ट 2019 की बात अपने कर रहे थे। अब बात करते हैं, तो लास्ट क्लास में अपने कितनी पढ़ ली थी? 130। अगर बात करें आज जो अपनी रहेगी, आज बात करते हैं धारा 134। किसकी बात करेंगे? धारा 134 की बात करते हैं। क्या करते हैं? धारा 134 की बात करते हैं। तो धारा 134 क्या कहता है? धारा 134 कहेगा चालक का कर्तव्य। क्या कहेगा? चालक का कर्तव्य, ठीक है। क्या कहेगा? चालक का कर्तव्य की बात करता है। अब आप कहेंगे कि सर चालक का कर्तव्य क्या होता है? तो ध्यान रखना, ठीक है, यानी कि एक तो आता है, अगर आपकी आप वाहन चला रहे हो और आपकी वजह से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो पहला आपका कर्तव्य बनता है कि आप जो है उस सती हुए पीड़ित व्यक्ति को जल्दी से जल्दी नज़दीकी हॉस्पिटल में जाकर उसका इलाज करवाएं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कर्तव्य क्या है, यानी कि सड़क पर दुर्घटना के कारण जो व्यक्ति जिसको चोट लगी है उसको आप जो है नज़दीकी अस्पताल पर अस्पताल में लेके जाए। लेकिन ध्यान रखना, इस कंडीशन में भी आपको एक ध्यान रखनी है, क्या है स्थिति में, वहाँ का माहौल क्या होना चाहिए? दुर्घटना वाले स्थान का माहौल शांतिपूर्ण होना चाहिए। दुर्घटना वाले स्थान का की परिस्थिति स्थान की स्थिति शांतिपूर्ण होनी चाहिए। शांतिपूर्ण होनी चाहिए तभी आप लेके जाओगे, नहीं तो क्या है, आप भी भाग जाओगे। तो ये भी ध्यान रखना है कि उस स्थान की जो है स्थिति, जहां पर दुर्घटना हुई है वहां पर जो है मारा मारी ना हो या पथराव ना हो, इस कंडीशन में ना हो, ताकि आप जो है अगर ऐसे कंडीशन है तो आपको वहां से चला जाना ही चाहिए। अगर स्थिति ऐसी नहीं है तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप जो है क्षति हुए व्यक्ति को यानी कि जिस व्यक्ति के चोट लगी है उसको नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर यानी कि उसका इलाज करवाएं। तो ये बात किसमें कहता है? तो ये बात अपने कहता है 134 के अधिनियम की बात करता है। क्लियर होगी यहां पर? अब वही बात करेंगे आर्टिकल 134 में ही क्या कहता है। आर्टिकल 134 ए की बात करें, यानी सॉरी धारा 134 की बात करेंगे, धारा 134 ए की बात करते हैं, 34 ए की बात। अब 34 ए की बात करेंगे तो पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि ये जो है कब जोड़ी गई थी, 2019 के संशोधन में जोड़ी गई थी। ध्यान रखना, ये जो धारा है कब जोड़ी गई थी, 2019 के संशोधन में जोड़ी गई थी। अब क्या आता है इसमें, क्या दिया गया है? तो इसमें एक शब्द लिखा गया है जिसका नाम क्या है, गुड समरिट्स। इस शब्द का उल्लेख जो आपको का उल्लेख देखने को मिलता है, अगर आपको मिल जाए कि ये जो है गुड पर्सन की बात करता है, अच्छे व्यक्ति के लिए कौन सा शब्द का उपयोग किया गया है, तो अच्छे व्यक्ति के लिए इस प्रकार का उपयोग शब्द का उपयोग किया गया है। अब कहेंगे कि ये किस लिए है, तो कहा जाता है दुर्घटना के बाद
दुर्घटना के बाद जो व्यक्ति दुर्घटना से ग्रसित हुआ है या कहेंगे पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल लेकर जाता है और उसका इलाज करवाता है ठीक है। तो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, उस व्यक्ति को जो कहा गया था गुड समरिट्स कहा गया था, ठीक है, एक अच्छा पर्सन के नाम से जो है जाना जाएगा। और ये कब जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था 2019 के संशोधन में जोड़ा गया। अब बात करते हैं कि सर आपने कहा कि ये जो है आप कई बार ये सोचकर किसी दुर्घटना ग्रसित व्यक्ति की सहायता नहीं करते हैं कि पुलिस कार्रवाई होगी, हमसे पूछताछ होगी या इस प्रकार की बात करेंगे, तो यह जानना कि इस व्यक्ति को कार्रवाई से क्या रखा जाएगा, दूर रखा जाएगा। क्या किया जाएगा, कार्रवाई से दूर रखा जाएगा, इस पर इस व्यक्ति पर किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। तो ध्यान रखना इस व्यक्ति पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी। अब ध्यान रखना अगर यहाँ की बात करते हैं चालक के कर्तव्य की, अगर वो व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाता है तो उसका पहला कार्य क्या किया जाएगा, इसका पहला कार्य है यानी अस्पताल पहुंचाने के बाद घटना की जानकारी घटना की जानकारी नजदीकी थाने में दे। लेकिन हम कहेंगे सर थाने में जाएंगे तो इसके ऊपर भी कार्रवाई होगी, बिल्कुल नहीं होगी, यानी कि इसके ऊपर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी, यानी कि उसको अस्पताल तो ले गया। अब दूसरा कार्य क्या है, जिस स्थान पर घटना हुई है और जो भी घटना की जानकारी है सारी बात उसको क्या है थाने में, पुलिस थाने में रिकॉर्ड यानी कि बतानी पड़ेगी। तो ये कार्य किसके आगे, चालक का कर्तव्य है। और 134B की बात करें, ए की बात करें जो कि जोड़ा गया था, अच्छे व्यक्ति की बात करें, गुड समरिट्स की बात करेंगे, यानी कि इस शब्द का प्रयोग किया, यानी कि इसका आपसे पूछ सकता है कि ये शब्द जो है कहां पे जोड़ा गया था, 134A में जो है जोड़ा गया था, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट जो अपना आता है धारा की बात करेंगे, वो धारा आती है 161। धारा कौन सी आएगी, धारा आती है 161, कौन सी धारा आएगी, धारा 161 की बात करते हैं। क्या कहता है, हिट व रन की बात करेंगे, क्या कहता है, हिट व रन यानी कि कहते हैं टक्कर मारकर भाग जाना। तो इस प्रकार की बात करें, टक्कर मारकर जो है भाग जाना की बात जो है, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, धारा 161 हिट व रन ठीक है। और वही बात करेंगे तो ध्यान रखना यहां पर क्या आ जाएगा, तो यहां पर बात करेंगे टक्कर मारकर भाग जाना
मार कर भाग जाना, भाग जाना। तो इस प्रकार का जो है तो किस धारा में उल्लेख मिलेगा, तो ये आपको मिलती है धारा 161 की बात करेंगे तो धारा 161 में जो है दिया गया है। अब इसमें थोड़ा सा आपको बता दूं जुर्माना क्या लगेगा, अगर उस व्यक्ति की मृत्यु होती है, अगर उस व्यक्ति की मृत्यु होती है ठीक है, उस व्यक्ति की मृत्यु होती है तो पहले तो कितना था, वो था 25,000, कितना था 25,000 रुपए का जो है जुर्माना था। लेकिन अभी हाल ही में कितना कर दिया गया है, वो कर दिया गया है अब कितना कर दिया 2,00,000 रुपए, कितना कर दिया 2,00,000 रुपए कर दिया, कितना कर दिया 2,00,000 रुपए कर दिया ठीक है। वही बात करें अगर व्यक्ति को गंभीर चोट लगती है, गंभीर चोट लगती है तो कितना आएगा, पहले था 12,500 रुपए लेकिन अब कितना कर दिया, अब कर दिया 50,000 रुपए, कितना कर दिया 50,000 रुपए कर दिया जुर्माना। तो ध्यान रखना मृत्यु होने पर अगर कोई व्यक्ति टक्कर मार के भागता है उसकी वाहन का भी क्या नंबर आईडी नोट की जाएगी, उसका सब पता करेंगे। अगर वही बात करें मृत्यु होती है तो उसको कितना मिलेगा, 25,000 रुपये पहले था अब कितना कर दिया 2,00,000। और वही बात करें गंभीर चोट होने पर, पहले कितना था 12,500, वर्तमान में अब कितना कर दिया है, वो कर दिया है 50,000 ठीक है। तो यहां पर एक ध्यान रखना, यहां पर एक शब्द आता है वो आपको गंभीर चोट की जगह क्या देगा, शब्द घोर उपाहित, क्या दे देगा, घोर उपाहित शब्द देगा। तो ध्यान रखना गंभीर चोट के स्थान पर वो आपको कौन सा शब्द दे देगा, घोर उपाहित शब्द देगा। तो ये धारा कौन सी आ गई अपनी, धारा 161 ठीक है। नेक्स्ट धारा की बात करें, नेक्स्ट जो धारा आती है वो आएगी 164B धारा की बात करें, नेक्स्ट जो धारा आती है वो आती है 164B की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, धारा 164B की बात करते हैं। तो यहां पर क्या दे रखा है, मोटर वाहन दुर्घटना नीति, क्या दे रखा है, मोटर वाहन दुर्घटना नीति, मोटर वाहन दुर्घटना निधि। तो ये अपने को ध्यान रखना है, मोटर वाहन दुर्घटना निधि का संबंध कौन सी धारा से है, तो वो आपका आएगा 164B की बात करते हैं। तो आप कहेंगे कि सर इसमें क्या दे रखा है, तो इसमें जो दे रखा है कैशलेस इलाज की बात की गई है, क्या है, कैशलेस इलाज, इलाज की बात, कैशलेस इलाज। अब कहेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप आपके सामने किसी व्यक्ति की जो है सड़क एक्सीडेंट हो जाता है, वो गंभीर चोटिल हो जाता है, अगर आप उसको जो है हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो आपको हॉस्पिटल जाने पर ये नहीं कहा जाएगा कि पहले आप इतनी पेमेंट जमा करवा दीजिए, तो आपको सीधा ही वहाँ पर जाकर इसको भर्ती करवाना है, आपसे किसी प्रकार की कोई भी पेमेंट नहीं मांगी जाएगी। तो वो क्या कहता है, मोटर वाहन दुर्घटना निधि की बात करेंगे, कैशलेस इलाज की बात करता है ठीक है।
ठीक है, और ध्यान रखना तो ये है। अब कहेंगे कि सर पैसा कैसे मिलेगा, तो कैशलेस इलाज की बात करेंगे, तो इसका जो है मुआवजे में से इलाज का खर्चा काट लिया जाएगा, ठीक है। जो भी व्यक्ति का बीमा है, अब उसमें जो है उसको जो भी मुआवजा मिलेगा उसमें से जो है इलाज में जितना भी लगा है वो क्या है, काट लिया जाएगा। तो ये बात किसमें कहता है, ये बात कहता है 164B की बात करता है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट जो धारा आती अपनी वो धारा आएगी 166 की बात करते हैं। क्या कहेंगे, धारा 166 किसकी बात करते हैं, धारा 166 की बात करते हैं। प्रतिकार के लिए आवेदन, क्या लिखा हुआ है, प्रतिकार के लिए आवेदन, प्रतिकार के लिए आवेदन, ठीक है, प्रतिकार के लिए आवेदन की बात करता है। क्या करेगा, प्रतिकार के लिए आवेदन की बात करता है, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना, अब प्रतिकार का मतलब कहता है मुआवजा, इसका अर्थ क्या आएगा, मुआवजा, क्या आ जाएगा, मुआवजा, ठीक है, मुआवजे की बात करता है प्रतिकार के लिए आवेदन। और वहीं बात करें धारा 166(3) की बात करते हैं, धारा 166(3) की बात करेंगे तो क्या कहता है, प्रतिकार के लिए आपको कितने समय में करना पड़ेगा, 6 माह के भीतर अपना जो है दावा दाखिल करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा, 6 माह के भीतर दावा दाखिल करवाना पड़ेगा। तो ये जानना, 6 माह के भीतर क्या है, दावा दाखिल करवाना पड़ेगा। तो ये किस में कहता है, 166 जो है 3 में कहा गया है 6 माह के भीतर जो है आपको दावा दाखिल करवाना पड़ेगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट जो धारा आती है धारा 177 धारा 170 क्या कहता है, मेन जानना इसकी, मैं तो एक चीज कहता हूं कि क्या कहता है, अगर मोटर वाहन अधिनियम में किसी भी दंड का उल्लेख नहीं है, अगर किसी भी दंड का उल्लेख नहीं होता, अगर कोई ऐसी दुर्घटना घट गई जिसके दंड का उल्लेख नहीं है, तो उसके लिए पहली बारी में जो है अलग से दंड दिया जाएगा और दूसरी बारी में जो है अलग से दंड की बात करता है। तो ये कौन सी धारा में कहा गया है, 177 में कहा गया है, ठीक है। तो लिखेंगे, तो यहां पर क्या लिखेंगे, मोटर यान एक्ट 2019 का उल्लंघन होने पर उस सजा के दंड का उल्लेख होने पर अगर उस उल्लंघन यानी कि उस सजा के लिए दंड का उल्लेख नहीं है का
दंड का उल्लेख नहीं है तो पहली बारी में उल्लंघन होने पर ₹100, पहली बार उल्लंघन करने पर ₹100 और दूसरी बार उल्लंघन करने पर ₹500। ठीक है, ये था। अब क्या कर दिया, और अब पहली बार तो कितना आ जाएगा 500, और दूसरी बार कितना आ जाएगा वो आता है ₹1,000। ठीक है, ₹1,000 का जो है जुर्माना लगेगा। अब आप कहेंगे सर जुर्माना किस चीज का है, अगर देखो आप वाहन चला रहे हो, ठीक है, अगर आपसे कोई ऐसी घटना घट चुकी है जिसका मोटर वाहन अधिनियम में किसी भी प्रकार का दंड का उल्लेख नहीं है, अब आपने जो है पुलिस वाले ने आपको रोक लिया, वर्दी धारक ने, कि आपको इसका इतना चलान कहेंगे, आप कहेंगे कि देखो मोटर वाहन अधिनियम में तो इस घटना का कोई उल्लेख ही नहीं है, तब वो क्या कहेगा, वो आपको 170 दिखाएगा, कहेगा अगर कोई भी घटना ऐसी है जिसका उल्लेख 2019 के एक्ट में नहीं है मोटरयान के, तो आपको पहली बार घटना करने पर ₹500 का, और अगर आपको दूसरी बार वही घटना की है तो आपको ₹1,000 का जो है क्या है जुर्माना भरना पड़ेगा। तो ये धारा जो है 170 क्या कहता है, 170 कहता है अगर मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करने वाली किसी भी जो है घटना का उल्लेख इसमें घटना संबंधी दंड का उल्लेख नहीं है तो आपको जो है पहली बारी में ₹500 और दूसरी बारी में जो है आपको कितने लगेंगे ₹1,000। लेकिन उससे पहले कितना था, ये हुआ है अब, जितना भी मैं अब लिख रहा हूं तो समझ लेना 2019 में उसका क्या कर दिया, संशोधन कर दिया गया था। तो आई होप यहां तक आपको जो है धारा 170 पता लग गई होगी। ठीक है, अब उसके बाद बात करें नेक्स्ट जो आता है धारा 178 क्या आ जाएगी, धारा 178 ठीक है कितनी आएगी, धारा 178 की बात करते 78 की बात करेंगे। ठीक है, धारा 178 की बात करते हैं, बिना टिकट के जो है यात्रा करने पर ₹500 जुर्माना, बिना टिकट के यात्रा करने पर ₹500 जुर्माना। ठीक है, कितने रुपये जुर्माना है, ₹500 जुर्माना है। ठीक है, तो ध्यान रखना बिना टिकट के यात्रा करने पर जो है ₹500 जुर्माने की बात करता है। ठीक है, लेकिन अब इसे बढ़ाकर कितना कर दिया है, ₹1,000 कर दिया है, कितना कर दिया 1,000, यानी कि बात इसकी वही करेंगे आप, ₹500 याद करना अभी तक तो। ठीक है, कितने रुपए जुर्माना है, ₹500 जुर्माना है। अब आप कहेंगे कि सर ये टिकट जो है बिना यात्रा के टिकट की बात करेंगे तो इसका उल्लेख कहाँ पे किया गया था, तो ध्यान रखना यानी कि धारा 124 क्या कहता है, वो कहता है बिना टिकट यात्रा नहीं करनी। मैंने बताया था आपको बिना टिकट यात्रा नहीं करनी, तो ये भी जानना यात्रा नहीं करनी, और इसका दंड का जुर्माना कहाँ पे बता दिया, 178 के अंतर्गत जो है इसका जुर्माना बता दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट जो अपनी धारा आती है वो आएगी धारा 380
धारा 180। ठीक है, अब आप कहेंगे कि धारा 180 क्या कहता है, तो मैंने लास्ट क्लास में भी जो पहले क्लास हुई थी, पहली क्लास में मैंने आपको बताया था धारा 3 व 4 की बात की थी। धारा 3 में बताया था सार्वजनिक स्थान पर जो है मोटर वाहन नहीं चलाने की बात की थी, ठीक है, और 4 में क्या बताया था, 4 में बताया था, ठीक है, 18 वर्ष से कम आयु के बालकों को जो है सार्वजनिक स्थान, यानी कि जो है 18, पहले 3 की बात करेंगे, तो सार्वजनिक स्थान पर अगर आप मोटर वाहन चलाते हो तो आपके लिए क्या होना चाहिए, DL होना चाहिए, आपके पास जो है लाइसेंस होना चाहिए। दूसरी बात कहता है, 4 क्या कहता है, 18 वर्ष से कम आयु के बालकों को जो है सार्वजनिक स्थान पर वाहन नहीं चलाना है, ठीक है, नहीं चलाना है, उसकी बात की गई थी। और वही बात करेंगे अगर धारा 5 की बात करता है, तो 5 में क्या बताया था कि अगर एक कर्तव्य किसके आते हैं, उन्हीं की बात की थी। अब वही बात करेंगे तो ध्यान रखना, यहां पर क्या कहता है, धारा 180 कहती है, अगर धारा 3 व 4 का उल्लंघन होने पर मोटर वाहन मालिक को क्या करना पड़ेगा, जुर्माना भरना पड़ेगा। किसको, मोटर वाहन मालिक को क्या करना पड़ेगा, जुर्माना भरना पड़ेगा। तो मेन यहां पर एक चीज और भी ध्यान रखेंगे, तो कहा जाता है, ठीक है, वो कितना होगा, तो बात करते हैं पहले की बात करें, ठीक है, तो यहां पर एक चीज और भी अपने को ध्यान रखनी पड़ेगी। तो यहां पर एक चीज रखना कि आपको जो है आपका वाहन है, आपको वाहन उस व्यक्ति को नहीं देना है जो कि धारा 3 व 4 का उल्लंघन करता है, डोंट प्रोवाइड व्हीकल, यानी कि इसकी बात करता है। अगर मैं यहां पर कहूं तो क्या कहेंगे, डोंट प्रोवाइड व्हीकल्स, ठीक है, प्रोवाइड व्हीकल की बात करेंगे, वाहन की बात करते हैं, तो डोंट प्रोवाइड व्हीकल, उनको आप व्हीकल नहीं प्रोवाइड करवा सकते जो धारा 3 व 4 का उल्लंघन करते हैं। तो मेन रखना धारा 3 व 4 का उल्लंघन, यानी कि 180 क्या कहता है, 180 और 181 सेम बात करता है, 180 और 181 सेम बात करेगा, क्या कहता है कि आपको उस पर्सन को व्हीकल नहीं देना है जो धारा 3 व 4 का उल्लंघन करता है। धारा 3 में क्या कहा गया था, जो कि यानी कि सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, DL ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और 4 क्या कहता है, 18 वर्ष से कम आयु के बालकों को तो है व्हीकल नहीं चलाना चाहिए, 20 वर्ष का है जो प्रोवाइड करवा सकता है। मालिक के लिए जो है दंड का प्रावधान, क्या जाएगा, दंड का प्रावधान, क्या जाएगा, दंड का प्रावधान। पहले कितना था और अब कितना है उसकी बात करें, तो पहले जो था उसकी बात करेंगे तो वो तो आपका आता है 5,000 रुपये, यानी कि अब की बात करें वो कितना आ जाएगा, 5,000 रुपये और 3 महीने का कारावास की बात करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी, क्या मिलेगी, आपको मिलेगी सजा, ठीक है। लेकिन अब की बात करें, पहले था, अब की बात करेंगे, इसको कितना कर दिया, 10,000 रुपये कर दिया, कितना कर दिया, 10,000 रुपये
और 3 महीने की जो है कारावास। तो ध्यान रखना, आप अपना व्हीकल किसी को भी दें तो ध्यान रखना उसकी आयु जो है 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अगर आप किसी को देते हैं तो उसके पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपको देखो इतना जुर्माना भरना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना 3 महीने की कैद कारावास और क्या आ जाएगा 10,000 रुपये या 1 या 2 दोनों भी हो सकते हैं। तो इस बात का अपने को ध्यान देना है। अब वही बात करेंगे और 181 क्या है, अब बात करते हैं धारा 181 जो सेम वही बात करते हैं। धारा 181 की बात करेंगे तो धारा 181 है गाड़ी चलाने वाला, गाड़ी चलाने वाला जिसको आपने गाड़ी दी है उसके ऊपर जो है दंड, गाड़ी चलाने वाले पर दंड क्या है, गाड़ी चलाने वाले पर दंड। ठीक है, मेन अगर बात करें क्या होता है अगर उस व्यक्ति से दुर्घटना हो जाती है तो उस कंडीशन में ये सब कुछ होगा, क्या होगा उस कंडीशन में ये सब कुछ होता है। तो ये भी अपने को क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो मेन आपको बता दिया, आप उस व्यक्ति को व्हीकल नहीं दे सकते, प्रोवाइड नहीं करवा सकते जो कि धारा 3 व 4 का उल्लंघन करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट अपनी धारा आती है धारा 183। ठीक है, क्या आती है धारा 183 की बात करते हैं, धारा 183 की बात करते हैं। धारा 183 क्या कहता है, धारा 112 का उल्लंघन करने वाले का दंड का प्रावधान किया गया है। ठीक है, धारा 112 का उल्लंघन करने वाला, उल्लंघन करने वाले पर दंड का प्रावधान क्या किया गया है, दंड का प्रावधान किया गया है। धारा 112 का उल्लंघन करने वाले पर जो है दंड का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब वही बात करें, पहली बार 400 रुपये और दूसरी बार कितना आ जाएगा 1,000 रुपये की बात करते हैं। पहली बार कितना आएगा 400 रुपये और दूसरी बारी में कितना आ जाएगा 1,000 रुपये, दूसरी बारी में सेकंड बारी में और पहली बारी उल्लंघन करने पर 400 रुपये और दूसरी बारी में उल्लंघन करने पर क्या आ जाएगा 1,000 रुपये। अब धारा 112 में दिया क्या हुआ है आपको, धारा 112 में है जो कि निर्धारित स्थान पर निर्धारित गति से वाहन चलाने की बात की गई है, निर्धारित गति से सॉरी निर्धारित स्थान पर आप किसी भी शहर भीड़ भाड़ वाला इलाके में जाते हैं तो आपको वहाँ पर एक बोर्ड लगा होगा कि आपके वाहन की जो है गति 30 किलोमीटर या 40 किलोमीटर या 25 किलोमीटर होनी चाहिए, यानी कि इस एरिया में आपको इतने किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से बाइक चलानी है। तो उस स्थान पर अगर आप उस नियम का उल्लंघन करते हैं तो धारा 183 क्या कहती है, पहली बारी पे आपको 400 रुपये और दूसरी बारी में जो है आपको 1,000 रुपये का जो है चलान भरना पड़ेगा। अगर आप कहें अगर चालक किसी दबाव में, चालक किसी दबाव में ऐसा करता है, में ऐसा करता है तो उस व्यक्ति को भी क्या है दंड भरना पड़ेगा। ठीक है, तो उस व्यक्ति को भी दंड भरना पड़ेगा, पहली बारी में 300 रुपये और दूसरी बारी में कितना आ जाएगा 500 रुपये। अगर आप किसी भी देखो आप गाड़ी चला रहे हो, टैक्सी चला रहे हो, किसी व्यक्ति को जल्दी है स्टेशन पहुंचने की, वो आपको कहेगा कि भैया आप में से 500,000 रुपये फालतू ले लेना और मुझे जल्दी से जल्दी स्टेशन पहुँचा दो। ठीक है, वो आपके ऊपर दबाव बनाता है और आप कहते हैं कि उसके दबाव में आकर व्हीकल इतनी तेज गति से चलाते हैं ताकि दुर्घटना होने की, और ऐसी कंडीशन में अगर आता है तो उस व्यक्ति के ऊपर जिसने दबाव बनाया है पहली बारी में 300 रुपये और दूसरी बारी में कितना आ जाएगा 500 रुपये। ठीक है, और लेकिन ध्यान रखना आपके ऊपर तो लगेगा ही, इसके ऊपर भी क्या है लग जाएगा। तो 183 क्या कहता है, 183 जो आपकी क्या बताएगा, 112 धारा का उल्लंघन की बात
बात करता है। ठीक है, ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे छोटे वाहन पर, कौन से छोटे वाहन पर कितना है, 1000 रुपये, छोटे वाहन पर आएगा 1000 रुपये, और बड़े वाहन पर कितना आ जाएगा, बड़े वाहन पर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 2000 रुपये। बड़े वाहन पर कितना आ जाएगा, 2000 रुपये का जो है चार्ज लगता है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो गया, धारा 183 की बात हमने की। अब बात करेंगे धारा 184, किसकी बात करेंगे, धारा 184 की, किसकी बात करते हैं, धारा 184 की बात करते हैं। तो धारा 184 क्या कहता है, खतरनाक तरीके व लापरवाही से वाहन चलाने पर, ठीक है, खतरनाक, खतरनाक तरीके से व लापरवाही से, लापरवाही से वाहन चलाने पर, वाहन चलाने पर, खतरनाक तरीके से व लापरवाही से वाहन चलाने पर, ठीक है, दंड के प्रावधान की बात की गई है। पहली बारी में तो आपको कितना करना पड़ेगा, 1000 रुपये, और दूसरी बारी में आपको कितना करना पड़ेगा, 2000 रुपये। ठीक है, ठीक है, पहली बारी में कितना आ जाएगा, पहली बारी में 6 माह की सजा और 1000 रुपये का जुर्माना, कितना आ जाएगा, 6 माह की सजा और 1000 रुपये जुर्माना। और दूसरी बारी की बात करेंगे तो दूसरी बारी में कितना आ जाएगा, 2 साल की सजा और 2000 रुपये जुर्माना, 2000 रुपये जुर्माना। लेकिन इसे अब कितना कर दिया है, अब इसे कर दिया है, वो कर दिया है 50000 रुपये, कितना कर दिया है, 50000 रुपये। ठीक है, अब इसे कितना कर दिया है, अब कर दिया है 50000 रुपये, कितना कर दिया है, 50000 रुपये कर दिया है। तो ध्यान रखना, अगर आप खतरनाक तरीके से वाहन चला रहे हैं, लापरवाही से वाहन चला रहे हैं, तो वो आपको कितना भरना पड़ेगा, 50000 रुपये भरना पड़ेगा, और 6 महीने की कैद भी हो सकती है। तो इस बात का भी ध्यान रखना। ठीक है, अब उसी के बाद नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट जो अधिनियम आता है, धारा आती है, वो कौन सी आएगी, धारा 185, धारा कौन सी आ जाएगी, धारा 185 की बात करते हैं। अब धारा 185 क्या कहती है, नशे की हालत में वाहन, नशे की हालत में, हालत में वाहन चलाने पर, वाहन चलाने पर, नशे की हालत में वाहन चलाने पर जो है आपको दंड का प्रावधान की बात की गई है। पहली बारी में 2000 रुपये, पहली बारी में 2000 रुपये, ठीक है, दूसरी बारी में, दूसरी बारी में 3000 रुपये, लेकिन अब इसे बढ़ाकर कितना कर दिया, अब कर दिया है 10000 रुपये, अब कितना कर दिया, 10000 रुपये कर दिया है। और वहीं बात करें तो पहली बारी में 6 माह, फिर आ जाएगा 2 साल, और फिर कितना आ जाएगा, 6 माह जो है यहाँ पर, अब कितना है, 6 माह के लिए जो है कर दिया गया है। तो 185 क्या कहता है, 185 कहता है आपको, ठीक है, नशे की हालत की बात करते हैं। फिर उसके बाद धारा जो है बात करेंगे 186, धारा कौन सी आ जाएगी, धारा जो आती है 186 की बात करते हैं, धारा 186 की बात करते हैं। धारा 186 क्या कहता है, शारीरिक व मानसिक रूप से अक्षम, शारीरिक व मानसिक रूप से, मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति को वाहन चलाने पर दंड। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या कहता है, कई बार आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति शारीरिक व मानसिक शारीरिक बात करे, कोई व्यक्ति यानी कि टांग पर चोट लगी है, उसका कोई पार्ट पूरी तरह नहीं है या वो मेंटली है, तो उस व्यक्ति को जो है आप व्हीकल देते हैं, अगर वो यानी कि उसके लिए भी क्या है, क्योंकि अगर वह सार्वजनिक स्थान पर जब वाहन चलाता है उसकी वजह से किसी को दुर्घटना होती है, कोई दुर्घटना का शिकार हो जाए, तो उसके लिए भी क्या है, दंड का प्रावधान दिया गया है। तो पहली बारी में बात अब की बात करते हैं, तो अब उस दंड का कितना है, वो कितना कर दिया है, 10,000 रुपये कर दिया है। पहली बारी में 2,000, दूसरी बारी में 3,000, वर्तमान में अब कितना कर दिया है, तो अब क्या है, पहली बारी में कितना आएगा 2,000, पहली बारी में कितना आ जाएगा 2,000, दूसरी बारी में कितना आएगा 5,000, दूसरी बारी में कितना आ जाएगा 5,000, लेकिन अब कितना कर दिया है, अब जो कर दिया है वो आपका कर दिया है 10,000 रुपये कर दिया है। कितना कर दिया है, 10,000 रुपये कर दिया है। तो ये जानना 185 क्या कहता है, 186 कहता है कि धारा 186 की बात करें तो वो क्या कहता है, शारीरिक व मानसिक रूप से व्यक्ति की बात, असक्षम व्यक्ति को वाहन चलाने पर जो है दंड की बात करता है। तो साथियों ये अपने जो बात की थी, तो आज की धारा एक और वापस से देख लीजिए, उसके बाद जो है अपने आगे पढ़ें, तो बात करते हैं जो आज की अपनी थी धारा 134 क्या कहता है, चालक का कर्तव्य। धारा 134 क्या कहता है, चालक का कर्तव्य, ठीक है, चालक का कर्तव्य बता दिया। धारा 134 भी कहता है, अच्छे व्यक्ति की बात कर रखा है, गुड समरिट्स की बात कर रखा है। उसके बाद जो है 161 में है, भाग कर यानी टक्कर मारकर भागने वाले की बात कर रखी है। उसके बाद जो है 164 में दुर्घटना वाहन जो है निधि की बात कर रखी है, कैशलेस की बात कर रखी है। फिर उसके बाद आता है प्रतिकार के लिए जो है आवेदन, मुआवजे के लिए आवेदन की बात कर रखी है, मुआवजे के लिए आवेदन की बात कर रखी है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो है मोटरयान एक्ट 2019 का उल्लंघन होने पर अगर उस सजा का प्रावधान नहीं है तो पहली बारी में आपको कितना भरना पड़ेगा, 100 रुपये, दूसरी बारी में 500 रुपये, और अब पहली बारी में 500 रुपये और दूसरी बारी में कितना आ जाएगा 1,000 रुपये की बात करता है। फिर बिना टिकट यात्रा करने की बात करेंगे तो 500 रुपये आता है, और बिना टिकट यात्रा नहीं करनी चाहिए तो इसका कौन सा आएगा, धारा 124 की बात करता है। फिर उसके बाद आता है धारा 180, डोंट प्रोवाइड वाहन, उन व्यक्तियों को वाहन नहीं देना चाहिए जो कि धारा 3 व 4 का उल्लंघन करते हैं। फिर उसके बाद आता है 181 की बात करेंगे, गाड़ी चलाने यानी कि 181 क्या कहता है, मालिक पर, और जो है 181 क्या कहता है, यानी कि 181 क्या कहता है, जो कि गाड़ी चला रहा है उसके ऊपर दंड का प्रावधान की बात करते हैं, सेम रहेगा। 183 क्या कहता है, 112 का उल्लंघन करने वाले को दंड का प्रावधान है। 184 क्या कहता है, खतरनाक तरीके से लापरवाही से जो है वाहन चलाता है उसकी बात करता है, और 185 की बात करें नशे की हालत में, और 186 की बात करेंगे शारीरिक रूप से जो है, शारीरिक रूप से जो है क्या करता है, अगर वह असक्षम है तो उसकी बात करता है। और उसके जो है ये मैंने आपको बताई थी अपनी धाराएं 186 तक हो गई। अब बात करते हैं शुरुआत की बात करेंगे, तो शुरुआत क्या कहता है, अगर बात करते हैं धारा 1 की, तो धारा 1 में क्या है, संक्षिप्त नाम दे रखा है, विस्तार दे रखा है, ठीक है। दूसरे में बात करेंगे, दूसरा क्या कहता है, परिभाषाएं दी गई है। तीसरा कहते हैं कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें की बात करेंगे जो कि सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की भी जरूरत होती है। 4 की बात करते हैं, तो 4 क्या कहता है, 4 कहेगा अगर, 4 क्या कहता है, 4 ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से कम है तो वह सार्वजनिक स्थान पर वाहन नहीं चला सकता, यानी कि उसे जो है 16 वर्ष के बाल के लिए यानी कि कितना है 50 cc वाहन जो है इंजन का वाहन चला सकता है। 5 की बात करेंगे, तो 5 क्या कहता है, 5 कहेगा कि धारा 3 व 4 का उल्लंघन होने पर मालिक को जो है दंड के प्रावधान की बात करता है। उसके बाद धारा 8 की बात करेंगे, शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति की बात करेंगे, लर्निंग लेसन
लेसन्स की बात करते हैं, इस बात की बात वो करता है। धारा 12 की बात करेंगे, ड्राइविंग सेंटर की बात करते हैं, जो कि क्या कहता है, ड्राइविंग सेंटर की बात करेंगे, वो कहता है उसको भी जो है प्रमाण पत्र होना चाहिए। फिर उसके बाद धारा 39 की बात करेंगे, तो मोटर वाहन पंजीकरण होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद आती है धारा 52 की बात करेंगे, मोटर यान में परिवर्तन की बात करता है। उसके बाद धारा जो है 67 की बात करेंगे, तो 67 में है सड़क परिवहन नियमित करने की बात करता है। फिर उसके बाद धारा 68 की बात करेंगे, तो जो है प्राधिकरण की बात करता है, मोटर वाहन प्राधिकरण की बात करेगा। फिर उसके बाद धारा 112 की बात की थी, धारा 112 में जो आता है, कोई भी वाहन निर्धारित स्थान पर निर्धारित गति से वाहन चलाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है धारा की बात की 113 की, तो कहा जाता है ओवरलोडिंग की बात करता है, किसकी बात करेगा, ओवरलोडिंग की बात करता है। फिर उसके बाद 113 में बताया था आपको कि पार्किंग स्थल से जो है वाहन अधिक जो है बाहर नहीं खड़ा होना। फिर उसके बाद जो आता है 119 की बात करेंगे, 119 में जो है आपका क्या दे रखा है, जो कि साइन दे रखे हैं, सड़क चिन्ह दे रखे हैं, उसकी बात करता है। उसके अलावा अपन ने जो है आज पढ़ी है, तो ये अपनी जो है आज की क्लास थी, जिसमें अपने जो है कुछ धाराएं की हैं। लास्ट क्लास में अपने इसको पूरा करके आपका जो मोटर वाहन अधिनियम है उसको क्या कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।